अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम, हरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है एलोमिना। एलोमिना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एलोमिना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये एलुमिनियम से बनी हुई मेडिसिन है, एलुमिनियम ऑक्साइड से बनी हुई ये मेडिसिन है, एक मेटल से बनी हुई है। एलुमिनियम एक मेटल होता है जिससे इस मेडिसिन को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, एलुमिनियम का इस्तेमाल आजकल किचन वगैरह के में बहुत ज़्यादा होने लग गया। किचन में बर्तन वगैरह एलुमिनियम के जो इस्तेमाल होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जिस्म में पैदा होने लग जाती हैं, ख़ासकर मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, तो एलुमिनियम का जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आपके जिस्म में सुनपन का एहसास होना, आपके यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास होना, इसका जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसका जो मरीज़ होगा उसके पूरा बॉडी जो होती है अंदर से बहुत स्लो वर्क करती है, मतलब जैसे ब्लड फ्लो जो होता है उसका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जैसे कि वैसे उसके पेट के अमराज शुरू हो जाते हैं। उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा स्लो फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो उसको सर्दी का एहसास होता है। इसके मरीज़ को जो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मी के मौसम में इसको ठंड का एहसास न सा लगता है, इसको सर्दी का एहसास सा लगता है, क्योंकि इसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो यानी कि फ्लो कर रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है बॉडी के अंदर। जो उसकी रनिंग होती है खून की या दौरान खून जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इसको फिर बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं इसके जिस्म के अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आप इनको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग वक्त से पहले बूढ़े नज़र आने लगे, यानी कि उम्र से पहले जिनके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों की तबीयत सुबह के अवकात में ख़राब होती हो, उनको किसी किस्म की भी तकलीफ़ जो है सुबह के वक्त होती हो शाम के वक्त ठीक हो जाती हो, इस कंडीशन में एलुमिना का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। फिर जिन लोगों का जिस्म में जो है सुनपन सा रहता हो, हर वक्त ऐसा एहसास होता है कि उनकी जिस्म जो पूरा पूरी बॉडी जो है एकदम सुन सी हो रही है, जिससे पैरालाइज की कंडीशन होने वाली हो, उस तरह की सुनपन महसूस होता हो, जैसे चीटियाँ से चुभ रही हो, इस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है इस कंडीशन में, और बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड, जिन लोगों को शदीद किस्म का यानी कि कब्ज़ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, साथ में सर दर्द भी हो, कॉन्स्टिपेशन ऐसा हो मतलब जिनका स्टूल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और बहुत शदीद किस्म का, यानी कि इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, दो दो तीन दिन चार चार दिन की इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा, तो इस कंडीशन में जो है और साथ में सर दर्द भी बना रहेगा, इस कंडीशन में एलुमिना का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कोई चीज़ जब खाते हैं, खाने की वजह से अगर आपके जबड़ों में तकलीफ़ हो जाए, जिसे आप मुंह चलाते हैं, जिसे आप मुंह खोलते हैं या बहुत ज़्यादा मुंह खोलते हैं, तो आपकी जबड़ों में अगर तकलीफ़ होती है, कोई चीज़ खाने से अगर आपके जबड़ों में दर्द हो रहा है, दर्द सा बना है, तो आपसे चला मुंह नहीं चलाया जा रहा, आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप इसको एलुमिना का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो इस सूरत में भी जो है जो बुज़ुर्ग हसरात हैं उनको अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उनको भी जो है एलुमिना का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत जल्दी इनको कॉन्स्टिपेशन में आराम आ जाएगा, बहुत जल्दी इनके कब्ज़ की शिकायत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड, जिन लोगों को आलू खाने से अगर पेट में मैदे के मसाइल पैदा हो जाएँ, पेट में कोई तकलीफ़ हो जाए, और ऐसे इसका जो मरीज़ होता है उसका आलू खाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन वो आलू खाता है तो उसको जो है पेट के अंदर जो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी जो है एलुमिना का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आपको ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड, जिन फीमेल्स को लिकोरिया की शिकायत होती है और वाइट डिस्चार्ज होता है पतला, उस कंडीशन में भी जो है एलुमिना का इस्तेमाल किया जाता है। एलुमिना जो लिकोरिया की कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन लिकोरिया कंडीशन में इसको 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे और कम से कम इसको 10 से 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करेंगे, मतलब 20 दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगी फीमेल लिकोरिया की कंडीशन में, लेकिन 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने मर्ज़ मैंने अमराज और जितनी बीमारियाँ मैंने बताई हैं उस कंडीशन में
कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल कर ली करनी है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कंडीशन में जो आपने एलोमिना 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लेना है, अपनी ज़बान पे लेना है। एक महीने डेढ़ महीने इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।